हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीए के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बीए के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीए कंप्लीट कर लिए हैं और उसके आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप बीए के बाद कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो पहले नंबर पर कोर्स आता है वह है बीएड। जी हाँ दोस्तों, आप बीए करने के बाद बीएड कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद आप मास्टर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके 50% मार्क बीए में है, तब जो है कि आप यह कोर्स कर सकते हैं। यह 2 वर्ष का कोर्स होता है और बहुत ही अच्छा यह कोर्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एमए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बीए करने के बाद मास्टर आप आर्ट कर सकते हैं। यह कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, तभी जो है कि इस कोर्स को कर सकते हैं। और यह 2 वर्ष का कोर्स होता है और यह कोर्स करने के बाद आप टीचर, लैब, मेडिकल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब आदि की नौकरी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर जो कोर्स है वह है LLB। जी हाँ दोस्तों, आप BA करने के बाद LLB कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और यह 3 वर्ष का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, LLB जो होता है यह 3 वर्ष का कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथे नंबर पर जो कोर्स है वह है MBA। जी हाँ दोस्तों, आप BA करने के बाद MBA कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप MBA कर लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपकी जो जॉब लगेगी वह बहुत ही अच्छी लगेगी। आपकी सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग की रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पाँचवें नंबर की बात कर लेते हैं। तो पाँचवें नंबर पर जो कोर्स है वह है MSc IT। जी हाँ दोस्तों, आप BA करने के बाद MSc IT कर सकते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने में आपका जो सालाना का खर्च आएगा वह 80 हज़ार से लेकर के 3 लाख रुपए तक आ सकता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप e-commerce, टेक्निकल, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। जो टेलीकॉम कंपनियां वगैरह हैं उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, छठवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर जो कोर्स है वह है DPED। जी हाँ दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा। अगर आप स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो BA करने के बाद आपको BPED कोर्स करना चाहिए। इसमें आपको रोजगार की बहुत ही ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। हर जगह पर स्पोर्ट को बहुत ही अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि आपको रोजगार मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका स्पोर्ट में मन लगता है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सातवें नंबर पर जो आता है वह है होटल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही यह बेहतरीन कोर्स है। आप BA करने के बाद होटल मैनेजमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कोर्स होते हैं, अपने हिसाब से जो है कि कोई भी कोर्स चुन सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप होटल मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो जो आपकी सैलरी रहेगी वह बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर जो कोर्स है वह है डिप्लोमा कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आप BA करने के बाद बहुत से डिप्लोमा कोर्स होते हैं जिसको कि आप कर सकते
हैं और एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। तो यह सब जो है कि डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो इन सभी कोर्सेस को भी आप कर सकते हैं और एक अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड 9वें नंबर पर जो कोर्स है वह है DLED। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी रुचि टीचर बनने में है तो आपके लिए DLED कोर्स बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप आसानी से अध्यापक की नौकरी पाना चाहते हैं तो आप BA करने के बाद DLED कर लीजिए। इसमें जो है कि आप 1 से लेकर 8 तक के गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके 50% मार्क ग्रेजुएशन में होने चाहिए और फ्रेंड्स यह 2 साल का कोर्स होता है और इसमें जो फीस लगती है वह आपके 1 साल के लगभग 41,000 रुपये लगती है। तो दोनों साल मिलाकर के आपके 81,000 रुपये या 82,000 रुपये पड़ती है या प्राइवेट की पड़ती है। अगर आपका गवर्नमेंट में होता है तो वहाँ पर फीस आपकी कम लगती है, 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह 9 कोर्सेस हैं जिसको कि आप BA करने के बाद कर सकते हैं और एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो BA करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, ISPCS की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह सब ऑप्शन होते हैं अगर आप BA कर लेते हैं तो उसके बाद या 8-9 या जो कोर्स बताए हों उसको कर सकते हैं और यह सब नौकरियों की आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।